हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल जय कोचिंग नॉलेज प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सामान्य ज्ञान संबंधी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इससे लाभ उठाएंगे। इसी क्रम में आज का हमारा विषय है कृषि संबंधी क्रांतियां, उनके जनक और इनसे संबंधित पूछे जाने वाले परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जिससे हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको सामान्य ज्ञान संबंधी नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी। और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कृषि में सुधार के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन सुधारों के लिए जो क्रांतियां चलाई गई, वो कौन सी क्रांति किस से संबंधित है, इसके जनक कौन है, आइए इसके बारे में जानें। हरित क्रांति कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। इसके जनक थे एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। इसके जनक थे अरुण कृष्णन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसके जनक थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। भूरी क्रांति का संबंध ऊन, चमड़ा तथा उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देना था। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई। लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस के उत्पादन में वृद्धि करना था। इसके जनक थे विशाल तिवारी। काली क्रांति बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित थी। स्वर्णिम क्रांति हॉर्टिकल्चर यानी फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। रजत क्रांति या इसे सिल्वर क्रांति भी कहते हैं, का संबंध अंडा उत्पादन से था। इसके जनक पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध उपरोक्त सभी क्रांतियों को बढ़ावा देना था। सभी क्रांतियों को सुचारू रूप से चलाना था। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ परियोजना से था। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित थी। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय के उत्पादन से संबंधित थी। अब आइए इन क्रांतियों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर दो, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? उत्तर गेहूं व चावल। प्रश्न नंबर तीन, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? उत्तर पंजाब। प्रश्न नंबर चार, सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। प्रश्न नंबर पांच, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। प्रश्न नंबर छह, कौन सी क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है? कृष्ण क्रांति। प्रश्न नंबर सात, भारत राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर। प्रश्न नंबर आठ,
अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। क्वेश्चन नंबर 9, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लंबे रेशे की कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। क्वेश्चन नंबर 15, झूम क्या है? कृषि का एक तरीका जिसे झूम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी। क्वेश्चन नंबर 18, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, गूगल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारी और सामान्य ज्ञान संबंधी वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।